इसे बंद ही रहने दीजिए बाबूजी। इस संदूक में तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। हमारे मतलब की चीज है। इस पेटी में बंद है तुम्हारा राज। राज? कैसा राज? राज, राज इन नकली बालों का, इन नकली कपड़ों का, जिसे पहनकर कभी तुम अपने ही दादा बनकर सामने आए तो कभी अपने ही बाप। बोलो, ये तीन तीन भेष बदलने के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा? इस मकसद से आपका कोई वास्ता नहीं है बाबू। वास्ता है, हो सकता है इसी मकसद के लिए तुमने सूरज की जान ली हो। बोलो बोलो, तुमने सूरज की जान क्यों ली? बोलो। हमने किसी की जान नहीं ली। तुम्हारे अलावा यह जलील हरकत कोई नहीं कर सकता। बताओ रीना को क्यों मारा? बताओ सूरज को क्यों मारा? हम पहले ही आपसे कह चुके हैं बाबूजी कि हम आपके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते। अब एक चेतावनी हमारी भी सुन लो, तीसरा बार हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हाथ उठाने की गलती नहीं करना। तुम गलती की बात करते हो, मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। कम मुसीबत में है जो तुम लोग एक दूसरे का खून करने पर तुले हुए हो? हट जाओ दीपा, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। लेकिन लेकिन क्यों? आखिर कुछ पता भी तो चले इस फसाद का कारण क्या है। कारण जानना चाहती हो? ये देखो, इसके ये ढोंगी कपड़े, इसके ये नकली बाल, जिससे ये हमें डराने की कोशिश करता रहा। चिलाराम, क्यों करते रहे ये सब? क्यों डराते रहे? कभी भेष बदल बदल कर और कभी मुझे चंडाल तारा की कहानियां सुना सुना कर। उसकी वजह हम नहीं बता सकते। क्योंकि तुम डरते हो कहीं तुम्हारे बयान से तुम्हारे किए हुए कत्ल का पर्दाफाश न हो जाए। हम आपसे बार बार कह चुके हैं बाबू, ना हमें आपके दोस्तों से कोई वास्ता है, ना हमने किसी का खून किया है। अगर यही बात है तो इस नाटक की वजह क्यों नहीं बता देते? सच्चाई से सच्चे आदमी को झिझक क्यों? ठीक है, अगर आप लोग मेरा राज जानना ही चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अरे कहाँ चला गया? देखा ना, वो हमें फिर धोखा दे गया। अगर तुम बीच में ना आती तो आज मैं उसे खत्म कर देता। अब बताओ कब? हम यहाँ हैं बालक। नाग देवता? हाँ, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं। दीपा, तुम्हारे पूर्वज हमारी ही पूजा किया करते थे। जब दारा ने रागिनी को पत्थर की शिला बना दिया तो ठाकुर अपने राजगुरु के साथ हमारे ही शरण में आया था। नाग देवता, हमारी बहन के साथ यह अन्याय क्यों हुआ है? हम उसकी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी? और हमारे आने वाली पीढ़ी पर जो भी संकट आए उनकी रक्षा आप करेंगे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और हमारा ये वचन है कि उस तांत्रिक से तुम्हारे कुल कन्या की रक्षा हम करेंगे। रही बात रागिनी की, जिस दिन गुफाओं का द्वार खुलेगा और पूनम की रात होगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। उस क्रूर दारा को भी हम इस दुनिया से दूर भेज देंगे और इसीलिए हम तुम्हें डराते रहे ताकि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि वो दारा
तुम्हारी जान का दुश्मन है जो कल तक उन गुफाओं में बंद था। बंद था? मतलब अब वो बाहर आ चुका है? हाँ, और उन गुफाओं का मुंह खोला है तुम्हारे प्रोफेसर ने। लेकिन प्रोफेसर ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसने रीना का कत्ल कर दिया है और उस कत्ल को वो दारा के नाम डालकर खुद बच जाना चाहता है। क्या प्रोफेसर साहब ने? ओह माय गॉड। लॉकेट, ये लॉकेट आपका है ना? और ये लॉकेट ये साबित करता है कि रीना का कत्ल नहीं किया है। तो फिर आपका लॉकेट रीना के हाथ में कैसे आया? रीना और सूरज को आपने क्यों मारा? मैंने सूरज को नहीं मारा है। रीना का खून आपने किया है और सूरज का खून भी आप ही ने किया है। हाँ, ये ठीक कहता है, सूरज का खून आपने किया, आपने। मैंने कहा मैंने सूरज का खून नहीं किया, मैंने सिर्फ रीना को। क्या आपने रीना का कत्ल किया? हाँ हाँ, मैंने रीना का खून किया, मैंने। मैंने इसकी लाश को गुफा के बाहर रखकर गुफा का मुंह खोल दिया था, मगर अब भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इन्हें, संजय, आप लोग यहीं खड़े रहो, मैं उस प्रोफेसर को ठीक करता हूं। हाँ, सूरज, तुम भी मैं मौत मारे गए। तुम भी वो भटकी हुई आत्मा हो जो आज के बाद सिर्फ दारा के लिए काम करेगी। जाओ और दीपा को मेरे पास ले आओ। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे खत्म कर दो, पर दीपा को मेरे पास लाओ। भंग भंग। ये धुआं कैसा? Thank you.
निकालो प्लीज, हमें यहां से निकालो। नहीं संजय नहीं, ये गलती मत करो, वो दोनों मर चुके हैं। नहीं दीपा, हमारा वो मरना वो बदलना सब झूठ था, झूठ था, झूठ था। पागल मत बनो दीपा। नहीं संजय, पागल मत बनो। देखो देखो, वो दोनों एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। हम अपने साथियों को इस तरह मौत के मुंह में धकेल के चले जाएंगे? नहीं दीपा नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो। हाँ, वो एक शैतानी ताकत थी जो हमसे ऐसा करवा रही थी। इससे पहले कि हम फिर से उस शैतान के शिकार हो जाएं, या वो हमें मार डाले, हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज संजय, प्लीज संजय। हमारा यकीन करो संजय, प्लीज दरवाजा खोल दो। मेरी बात हम सच कह रहे हैं। हाँ खोल दो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। नहीं वापस आ जाओ। नहीं सर। नहीं।
आओ दीपा, आओ, आओ, आओ दीपा, आओ, आओ दीपा, चल आओ दीपा। आओ दीपा, अपने तांत्रिक के पास आओ। आओ दीपा, मेरे पास आओ। दीपा, दीपा, आओ, आओ दीपा, आओ, आओ, आओ दीपा। दीपा, दीपा, दीपा। Oh!
नाग देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारी मदद नहीं करते तो यह जालिम दारा एक दीपा ही नहीं बल्कि न जाने कितने बेकसूर इंसानों की जान ले लेता। इस शैतान को खत्म करके हमने किसी पर एहसान नहीं किया है, सिर्फ अपने उस वचन को निभाया है जो 100 साल पहले हमने अपने परम भक्त ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह को दिया था। मगर उस वचन को पूरी तरह निभाने के लिए हमें अब दीपा की जरूरत है। आप हुक्म कीजिए नागदेव, मुझे क्या करना होगा? खून देना होगा तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं नागदेव? घबराने की कोई बात नहीं, खून देने का मतलब इसे अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। इसके जिस्म का एक बूंद खून इस देवी को मुक्ति दिला सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं, बोलिए मुझे क्या करना होगा? अपना अंगूठा देवी के सर के ऊपर ले आओ। साल बाद सही हमारे भक्त की आत्मा बैकुंठ तक तो पहुंची। अब अपने रीति अनुसार इसका क्रियाकर्म कर दो।